नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ को लेकर केंद्रीय और नवोदय विद्यालय ने संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और कहा कि नई शिक्षा नीति ने किताबी ज्ञान के अलावा आधुनिक वैज्ञानिक गतिविधियों पर जोर दिया है। दतिया में केंद्रीय और नवोदय विद्यालय ने संयुक्त नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वर्षगांठ का आयोजन किया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य गीता ने नई शिक्षा नीति के लाभ के बारे में बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि नई शिक्षा नीति से पहले ही अधिक बच्चों का मनोविकास हो रहा है। बच्चे आधुनिक तकनीक आसानी से समझ पा रहे हैं। पहले बच्चे सिर्फ रट कर परीक्षा देते थे, लेकिन अब बच्चों को वास्तविक ज्ञान होने के साथ उनका मानसिक विकास हो रहा है। नई शिक्षा नीति जो वाकई में मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनको पूरी तरह से पूरा करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है उस पर बहुत ज़्यादा जोर है। और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का मतलब है कि बच्चे को जो बेसिक बुनियादी जो साक्षरता, यानी कि बच्चा ढंग से जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पढ़ पाए, समझ पाए, बोल पाए, इसके साथ साथ उसका अंक ज्ञान जो बेसिक जानकारी है वो पूरी तरह से आनी चाहिए। और 3 से 8 साल की उम्र में पूरी तरह से, जब बच्चा 8 साल की उम्र में दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा को पूरा करता है तो ये फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी उसकी पूरी तरह से पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी उसकी शिक्षा का जो उसका पीरियड है, अवधि है, उसका बेसिक एक फाउंडेशन भी उसको प्रदान करती है। अगर उस चाहे प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, जो पहले स्टीरियोटाइप शिक्षा थी हमारी कि वो पुरानी 50 सालों से वही शिक्षा चली आ रही थी, उसमें पूरी तरह से चेंज है। और हमारे बच्चे भी जो हायर एजुकेशन में जाते हैं वो किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, कभी भी अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, बहुत सारे वैरायटी ऑफ पाठ्यक्रम से उनके पास अवेलेबल हैं, अपनी चॉइस से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और जो स्टार्टअप्स हैं उनसे बहुत चेंज आया है। स्किल एजुकेशन की बात जो हमारे मोदी जी करते हैं, मेक इन इंडिया की बात हमारे जो मोदी जी करते हैं, उससे पूरा ट्रांसफॉर्म इंडिया हमारा हुआ है। और हम आज मैं तो कहती हूँ, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे ऐसे विकसित सोच वाले, इतने 18 घंटे काम करने वाला जो प्रधानमंत्री हैं, और पूरे हमारे देश के राष्ट्रभक्ति से पूरी तरह से परिपूर्ण, देश के लिए पूरी तरह से समर्पित और तत्पर होकर के वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा है। इस दौरान अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने नई शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति ने किताबी ज्ञान के अलावा आधुनिक वैज्ञानिक गतिविधियों पर जोर दिया है और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर है। सफल व्यक्ति ही एक अच्छे आदमी के पास आते हैं। शिक्षा का सम्मान बहुत महत्व है और आज समाज में जिस तरह की हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं, यदि अच्छी शिक्षा उनको मिली होती है बच्चों को तो शायद युद्ध ज्ञान नहीं होती है। आजकल बार डूब रहे हैं, माँ बाप को बच्चे देख के करने को तैयार नहीं हो रहे हैं और देश में पूरे अच्छे नागरिक तरह नहीं मिल पा रहे हैं। जब शिक्षा नीति में ये सब चीज़ें शामिल होंगी, दूसरा जैसा अभी आपने बताया कि एक मैथ का स्टूडेंट है, इंजीनियर है, वो शक्ति नहीं सीख पा रहा था, हिंदी शायद भी नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये सब चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई है पूरा जब इसका क्रियान्वयन होगा तो मुझे लगता है देश के लिए अच्छे सफल व्यक्ति नहीं अच्छे नागरिक तैयार करेगी और ये देश के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय दतिया का प्रश्न या मेरा छोड़ा यहाँ लगता है और आपको भी आप लगता होगा विद्यालय कैंपस में ही आपको लगता होगा कि कुछ अलग है, तो यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको मेरे ख्याल से देख ही पता लग जाता है कि यहाँ का आप उठते ही आपको एक पर्यावरण बहुत सुंदर है यहाँ का। फिर आप अंदर आते हैं तो तमाम तरह की पेंटिंग लगी हुई है जिससे भी आप अंदर लगा सकते हैं। कोई भी आयोजन होते हैं तो पूरा समय बड़ा गुरुदान और सांस्कृतिक परंपरा का ध्यान दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अभी जो बालिका का जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा है इससे पहले भी मैंने देखा है, तो एक छोटी सी उम्र में बच्चों को इस तरह तैयार कर देना कि वो उन्हें अपनी खुद को पहचान जाए, खुद की क्षमताओं को पहचान जाए और फिर टीचर। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज़।